वेलकम एंड वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एडुलवर। इस पर्टिकुलर वीडियो में सोशल साइंस सैंपल पेपर 2020 जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है उसके क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में बताया है वो सारा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे हम मिल जाएगा। तो आपको सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे क्लास 10 सोशल साइंस सैंपल पेपर 2020 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लिक करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन वैल्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पढ़ लेते हैं। मोहन इज अ एग्रीकल्चर लेबरर, देयर इज अ सेवरल मंथ इन अ ईयर व्हेन ही वाज नो वर्क। बहुत गरीबी है इसके साथ। क्या है, मोहन एक एग्रीकल्चर लेबरर है जो क्या है महीने में, मतलब साल में बहुत सारे ऐसे महीने आते हैं जिसमें उसके पास कोई काम नहीं होता है एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस। लेकिन वो क्या है, क्योंकि उसके पास डेली के एक्सपेंसेस है, उसको खाना है, उसके लिए रोटी चाहिए, उसको उसके लिए गेहूँ चाहिए, उसको चावल चाहिए, उसको तो डेली एक्सपेंसेस है उसके लिए, भले उसको काम मिले या ना मिले साल में, लेकिन वो खाना है तो खाना ही पड़ेगा उसको। ही डिपेंड अपॉन हिज एम्प्लॉयर द लैंड ऑनर ऑन क्रेडिट हु चार्ज द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। कहने का मतलब है तो इसलिए वो डिपेंडेंट रहता है, अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि उसको हर टाइम उसको वर्क नहीं मिल पाता, इसलिए वो डिपेंड रहता है लेबरर्स पे और एम्प्लॉयर्स पे जो उसको पैसे देते हैं 5% के रेट से। 5% के रेट से कहने का मतलब हुआ, अगर वो 100 रुपये उधार लेता है, रेंट पे लेता है, तो उसको पर मंथ 5 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब 105 रुपये फर्स्ट मंथ में देना होगा। उसी तरह से अगर दूसरे मंथ रखा उसने तो 110 रुपये देना होगा, अगर 3 महीने तक रखा तो 115 रुपये देना होगा, अगर उसने 100 रुपये लिया है तो 5% उसको ज़्यादा देना पड़ता है। आगे देखते हैं। मोहन रीपे द मनी बाय वर्किंग द फिजिकली फॉर द लैंड ऑनर ऑन हिज फार्म लैंड। लेकिन मोहन क्या करता है, उसको रीपे करता है, उसके पास पैसे है नहीं, तो रीपे कैसे करता है, तो वो फिजिकली कुछ वर्क करके, जैसे उसके खेत में कुछ काम कर दिया, उसका कटाई कर दिया, उसका बुनाई कर दिया, इसी टाइप से वो कर करके क्या करता है कि फार्मलैंड में काम करके लैंड ओनर का पैसे को रीपे करता है। तो हमें ओवर द ईयर्स हिज डेब्ट विल बी, तो सालों के बाद उसका जो डेब्ट होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो क्या होगा, कैसे, जैसे हम लोग देखें, अगर एक साल के बारे में बात करें, एक महीने का 5 रुपये इंटरेस्ट था तो एक साल में कितना रुपये इंटरेस्ट होगा, 12 × 25 60 रुपये, 60 रुपये इंटरेस्ट होगा। यानी अगर उसने 100 रुपये अगर उधार लिया है तो एक महीना में 5 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, तो 12 महीने में 60 रुपये देना होगा, मतलब एक साल में उसको अब 160 रुपये रीपे करना होगा। यानी 160 रुपये जो उसने एक महीना पहले 100 रुपये लिया था, अब एक महीना के बाद उसको 160 रुपये देना होगा। यानी वो क्या कर रहा है, डे टू डे मंथ टू मंथ इंक्रीज करता जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए आप क्या है, इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ द मंथली अमाउंट। कि उसको पर महीने वर्क भी तो नहीं मिलता है, कभी कभी वर्क मिलता है, लेकिन खाना उसको हर मंथ खाना है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हो जाता है। अगर बी देखें तो रिमेंस कांस्टेंट, जो बिल्कुल गलत है, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, रिड्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं है। बी टोटली रिपेट पूरा टोटली नहीं कर पाएगा बिकॉज एक्सपेंसिस बढ़ते जा रहा है उसका, है ना, जो इंटरेस्ट उसको 5% का बढ़ता जा रहा है। तो आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ कि कैसे इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें, बिकॉज मैं जो यहाँ पे पावर लगा रहा हूँ आपको समझाने में, उसमें थोड़ा मदद मिल जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे। चलिए इसी के और में है, इसी कहानी पे एक क्वेश्चन है और में, चलिए क्या है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबलर लाइक मोहन डिपेंड्स अपॉन द लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेक्टर इज करेक्ट। तो इस जो इन्फॉर्मल सेक्टर के बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इन्फॉर्मल सेक्टर जो है, इन्फॉर्मल सेक्टर है कौन, तो इन्फॉर्मल सेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें मनी लेंडर आते हैं, मतलब जो उधार देते हैं, है ना, दूसरे को उधार देते हैं, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन, आप खुद ब खुद बता सकते हो यार, पहले पढ़ो क्या है लिखा हुआ है। पहला ये है, दे आर द गवर्नमेंट बॉडीज। क्या पागल हो, गवर्नमेंट बॉडीज होता है, बिल्कुल गलत है, मारपीट के इसको काट देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, मनी लेंडर्स आस्क टू द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकॉर्डिंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करता है क्या नहीं करता है, अगर ये उधार दिया है तो आपको बता देगा इतने के फिक्स्ड अमाउंट से
हम क्या लेंगे, कोई रिजनेबल रेट नहीं रहेगा, ठीक है, जो उसका मन करेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। सी क्या है, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लोन्स ऑफ द बोरोड इज क्विट हाई। हाँ ए लग रहा है, लेकिन अभी चलना नहीं है, सी ऑप्शन देखकर डायरेक्ट टिक नहीं मारना है। डी पढ़ो क्या है, मनी लेंडर्स यूज फेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई फेयर मीन्स इन लोग का नहीं होता है मनी बैक देने का, जब मन करेगा आपसे ले सकता है, आपका जमीन जायदाद जो भी है उसको पकड़ लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।